सुनिए इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 50 से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कार्तिकेय गोयल होंगे महासमुंद के नए कलेक्टर, डोमन सिंह बने हैं गौरेला पेंट और मरवाही के कलेक्टर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी बताई जाती है। 50 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को यानी कि जिला अधिकारियों को बदल दिया गया है, इधर से उधर उनके तबादले कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। बारादबाजा कलेक्टर कार्तिकेय गोयल महासमुंद के नए कलेक्टर होंगे, डोमन सिंह को गौरेला पेंट और मरवाही का कलेक्टर बनाया गया है। सारांश मित्तर कलेक्टर बिलासपुर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी संख्या में जो कलेक्टर हैं उनके तबादले किए गए हैं। आशीष तिवारी विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, 50 कलेक्टरों को इधर से उधर कर दिया गया है, क्या इसके मायने निकाले जाए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल होगी, 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं और इसमें अखिल भारतीय सेवा स्तर से लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा तक के अधिकारी हैं और 20 जिलों के कलेक्टर हैं। और बजट सत्र के समय, विधानसभा के बजट सत्र के समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान ये भी दिया था कि कलेक्टरों के कामकाज, उनके परफॉर्मेंस को लगातार ऑडिट किया जा रहा है और इसके बाद ही एक बड़ी सर्जरी राज्य में होगी। हालांकि कई सूची बनी, जानकारी ये भी कहती कि कई तरह की सूची में कई बड़े फेरबदल लगातार किए जाते रहे और अब जब कोरोना क्राइसिस के बीच कई अधिकारियों के परफॉर्मेंस को भी इस ताजा फेरबदल में आंका गया, उसके बाद इस सूची को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमलीजामा पहनाते हुए हरी झंडी दी है और इसका आदेश विधिवत तौर पर अभी जारी तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी सूचना आ गई है कि इन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। महत्वपूर्ण फेरबदल में न केवल जिलों के अधिकारी प्रभावित हुए हैं बल्कि मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी जिनमें अमिताभ जैन है, रेणु पिल्ले हैं, मनोज सिंगवा है, आर एस प्रसन्ना है, इनकी भी जिम्मेदारी बदली गई है। लेकिन ये सूची बताती है कि कई जिलों के ऐसे कलेक्टर जिन्हें हाल में ही पदस्थापना दी गई थी उन कलेक्टरों को भी बदल दिया गया। मसलन महादेव कावरे को निमतरा से मंत्रालय शंट कर दिया गया था, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जशपुर का कलेक्टर उन्हें बनाया गया है। लेकिन रहरू साहू ही, इसके अलावा शिखा राजपूत तिवारी हुई, ऐसे चेहरे हैं जिन्हें एक लंबा अरसा नहीं बीता है अलग अलग जिलों में इन्हें कलेक्टर के तौर पर भेजा गया था। इन्हें भी ताजा फेरबदल में कुछ को मैदानी इलाकों से हटाकर प्रशासनिक कामकाज में लगाया गया, मंत्रालय शिफ्ट किया गया, अमरावती शिफ्ट किया गया और कई जगहों पर कलेक्टरों को सरकार ने क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जो आला अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कर रहे हैं, क्या इसके चलते भी ये जो फेरबदल किया गया है? देखिए बात इनकार नहीं जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस एक बड़ा फैक्टर होगा और जो अधिकारी जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे वो सरकार की नजर में आएंगे और सरकार उनसे उस जिम्मेदारी को छीनकर ऐसी जगह पर सरकार भेज देगी जिस जगह के लिए वो सूटेबल होंगे। जाहिर सी बात है कि 50 से ज्यादा यदि प्रशासनिक अधिकारियों के राज्य में तबादले होते हैं तो तबादलों के पीछे का एक बड़ा आधार उनके परफॉर्मेंस को लेकर होता है। एक बड़ा कारण ये भी होता है कि एक बेहतर काम करने वाले अधिकारी को उसकी उपयोगिता के मुताबिक किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर उसे वहां पर डेप्यूट किया जाता है। इस आदेश में ये दोनों ही पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।